नमस्कार दोस्त की 23,500 वहाँ पे बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर है, अगर वहाँ आया तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वही हुआ, एकदम से मार्केट वही जाके खुली। मैंने कल कहा भी था कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है सुबह, तो वही हुआ, एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला और सीधा 23,500 पे ही जाकर मार्केट खुली। और वहाँ से लाजमी था कि प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो वो आई नीचे की ओर, फिर मार्केट ने काफ़ी अच्छा सस्टेन किया और कंसोलिडेट हुई। ये काफ़ी अच्छी निशानी होती है जब मार्केट एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रही हो, वो भी ऊपर के लेवल पे। अगर ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में दमखम काफ़ी अच्छा है। बैंक निफ्टी में ये लेवल मैंने डटाया हुआ है कि यहाँ पे खूब जबरदस्त रेजिस्टेंस है और बार बार बैंक निफ्टी, ये मुझे लगता है चौथी बार होगा जब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। ये लेवल मैंने जब से ये बताया हुआ है तब से ये यहीं से बार बार बैंक निफ्टी गिर रही है, तभी मैं बार बार आपको डेली कहता हूँ कि यहाँ पे भैया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये फिन निफ्टी भी उसी तरह 22,350 से बार बार गिर रही है और बार बार नीचे की ओर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इसी तरह मिड कैप निफ्टी मैंने बताया था कि 11,956 ये एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसने किया भी। तो इस तरह से जैसा जैसा आपको समझाया गया था बिल्कुल वैसे वैसा मार्केट ने किया। तो हमारा काम ही यही है, एक दिन पहले आपको बिल्कुल सही लेवल्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए ट्रेड करना आसान हो जाए और आपको मार्केट की समझ आ सके। जिन्होंने अभी अभी चैनल को सब ज्वाइन किया है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि वहाँ पर सुबह सुबह जो चीज़ें रात को नहीं आती हैं वो भी सुबह बताई जाती हैं फिर कमेंट्री में, 7 बजे कमेंट्री करेक्टली आ जाती है टेलीग्राम पर। और उसके अलावा जो डीमेट अकाउंट के लिंक दिए वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए। तो आइए अब आते हैं हम मुद्दे पर कि अब नई ताज़ी खबर क्या है। ताज़ी खबर ये है कि यूएस का पीपीआई डाटा आने वाला है, पीपीआई परचेज पावर इंडेक्स, जो कि मंथ टू मंथ 0.5 था और अब एस्टीमेट है कि 0.1 आएगा, बाकी जब आएगा तभी पता चलेगा। ये हमारी वीडियो पहले बन रही है। और ईयर टू ईयर भी पीपीआई डाटा पहले 2.2 था, अब 2.5 आने की उम्मीद है। यही कारण है कि अगर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। यही कारण है कि यूएस डाउ फ्यूचर 104 पॉइंट नीचे इस एस्टीमेट की वजह से। जैसे ही ये अगर ये नीचे आ गया तो ये आपको दिखेगा कि डाउ फ्यूचर रिकवर हो गए, मतलब इस चीज को पहले से ही कैश किया जा रहा है। इसके अलावा कोर पीपीई डाटा भी आना है। कोर का तो आप मतलब समझ ही गए हैं, कोर क्या होता है, जो आम जनजीवन को की परचेजिंग पावर है, मिडिल क्लास लगा लो उन लोगों की, 2.4 है, अब भी 2.4 आने की उम्मीद है। तो यही कारण है कि डाउ फ्यूचर पे प्रेशर है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी चीज जो बड़ी आनी है, वो है जॉबलेस क्लेम डाटा। वो हर थर्सडे के थर्सडे को आता ही है और इसमें भी 2,29,000 की बजाय एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2,25,000, मतलब 4,000 कम होने की उम्मीद है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम में बेरोजगारों की संख्या कम होने की उम्मीद है, तो इसका भी प्रेशर इस डाउ फ्यूचर पे पड़ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें बढ़ जाएं, मतलब बेरोजगारी बढ़ जाए, परचेजिंग पावर कम हो जाए, मतलब यूएस में उल्टा देखा जाता है, तो मार्केट ऊपर जाएगी कि हाँ जी इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पर ये अगर चीज़ सुधरती नजर आएंगी तो फिर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे, फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। तो ये सारा चक्कर है, अब आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना है। रात को ये आ जाएगा 6:30-7 बजे हो सकता है, जब तक हमारी वीडियो अपलोड हो तब तक ये आ भी जाए। तो जो क्रूड है वो 81-82 पे ही घूम रहा है और डॉलर इंडेक्स भी वहीं घूम रहा है, 4.3 पे बॉन्ड यील्ड है, मतलब ये डाटा तो लगभग कंट्रोल्ड ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मार्केट अभी जो डाटा जो आ रहा है वो साइडवे ही है। मेनली हमें क्या मतलब है, हमें नैसडेक से मतलब है। जहाँ तक डाओ फ्यूचर का सवाल है तो डाओ फ्यूचर पे आते हैं हम, तो डाओ फ्यूचर पे अगर हम आएं तो वही बात हुई जो मैं बता रहा था कि 38,840 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल जंप तो मारा पर पावेल ने सारी हवा निकाल दी डाओ फ्यूचर की हॉकिश कमेंट्री देके। अब
फिर से इसी एरिया में स्ट्रगल कर रहा है डाओ फ्यूचर, मतलब डाओ फ्यूचर रेजिस्टेंस के नीचे है और इसका उठना काफ़ी मुश्किल है। बल्कि नैस्डेक पूरा मोमेंटम में है, ऑल टाइम हाई पे है और 19,282 बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर है। अब दूर जाके 20,884 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से लगभग 1,000 पॉइंट ऊपर ये दौड़ लगा सकता है। ये नहीं एक दिन में, मतलब कि 5 दिन 7 दिन हफ्ता भी लग सकता है। मैं धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है, मैं नैसडे का चार्ट अच्छा है जो कि हमारी आईटी सेक्टर को भी ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो यही कारण है कि निफ्टी आईटी सेक्टर की वजह से भी मोमेंटम, ये मैंने कल भी चीज़ समझाई थी। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है। देखिए गिफ्ट निफ्टी को मेनली मतलब है नैसडेक से, तो नैसडेक मोमेंटम है तो निफ्ट गिफ्ट निफ्टी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ इसमें एक पॉजिटिव चीज जरूर है कि जो 23,390 एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, अब गिफ्ट निफ्टी उसके ऊपर है, मतलब 390 के ऊपर है। अब 390 सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की ओर जो ऑल टाइम हाई है 23,587, ये धीरे धीरे उस तरफ जा रहा है, मतलब गिफ्ट निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया है। तो हो सकता है ये रात को लगा दे या कल लगा दे सुबह, या फिर ट्यूसडे मंडे को लगा दे, ये लगा देगा धीरे धीरे। पर ये है मोमेंटम में, ये पीनट फ्लैग बना रहा है। और अब हम आते हैं इस सारे डाटे को जो हमने स्टडी किया है, अभी जब हम आगे बाद में चलेंगे, सबसे पहले ये चीज़ समझा दें कि अभी हमने क्या चीज़ देखी। हमने अभी हमने देखा कि नैसडेक सही है, तो नैसडेक सही है तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, मतलब स्थिति कंट्रोल में, इतनी बड़ी गिरावट वाला कोई अभी सीन नहीं नज़र आ रहा। तो कम से कम मार्केट फ्लैट रहेगी जैसे आज रही है, फ्लैट टू पॉजिटिव रहेगी निफ्टी, हालांकि 60-70 पॉइंट प्लस ही रही है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बता रही है कि 49,500 एक अच्छी स्पोर्ट है। अब 700 पे भी अच्छी स्पोर्ट आ गई है, हालांकि हम तो शुरू से कह रहे हैं 49,500 से 700 पे अच्छी खासी स्पोर्ट है। 50,000 पे यहाँ पे अब फिर से कॉल राइटर खड़ा है, ठीक है। तो ये कॉल राइटर बार बार तंग कर रहे हैं, यही है जो 50,228 को क्रॉस होने नहीं दे रहा। तो ये काफी बड़ी मुसीबत इस टाइम बैंक निफ्टी में आई हुई है। क्यों आई हुई है, कारण मैंने बताया था कि आईसीआईसी बैंक बैंक निफ्टी को नीचे खींचता हुआ मुझे नजर आ रहा है, तो वही हुआ, बैंक निफ्टी ने नीचे खींच लिया, आईसीआईसी बैंक ने, सॉरी आईसीआईसी बैंक ने बैंक निफ्टी को नीचे खींच लिया। उधर एक्सिस बैंक का भी चार्ट खराब नजर आ रहा है, ये भी धीरे धीरे नीचे की ओर ही खींच रहा है, अभी नेट स्लो होने की वजह से ये खुल नहीं रहा। तो इसका भी चार्ट अभी ये देखिए, ये भी नीचे आ गया 1,188 से, तो ये भी बैंक निफ्टी को नीचे ही खींचता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ा, सबका बाप, बैंकों का बाप एचडीएफसी बैंक, जिसका ये बिल्कुल ठीक, ये देखिए इसने 1,574 से सपोर्ट लेके बहुत अच्छी कैंडल बनाई है और काफ़ी अच्छी नीचे के लेवल से बाइंग आई है। ये कैंडल, ये चार्ट सेटअप दिखा रहा है कि ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींचता हुआ नजर आ रहा है, मतलब एचडीएफसी बैंक ही है जो पॉजिटिव नजर आ रहा है। ये सिर्फ मतलब इससे क्लियर होता है कि कम से कम बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं से सपोर्ट वो दे रहा है जो सबसे बड़ा सबसे हाई पावर बैंक है एचडीएफसी बैंक। बाकी दोनों बैंक तो नीचे की ओर घसीट रहे हैं, एचडीएफसी बैंक है जो उसे गिरने नहीं दे रहा। अगर ये अकेला ही काफी है, चाहे इसके सामने 8 बैंक खड़े कर दो, अगर वो नीचे जाएंगे, ये अकेला ही अगर ऊपर जाएगा तो पूरे सारे मार्केट को ही ऊपर खींच के ले जाता है। तो अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में मेन चीज जो हमेशा मैं समझाता हूँ आपको, वो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन अब और भी चेंज हो गया है, नीचे 10 MA कहाँ आ गया, 49,463 के पास। अब स्पोर्ट कहाँ बन गई है, स्पोर्ट की रेंज बन गई 49,450 से 49,700, ये एरिया सारा का सारा हो गया स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट, मतलब इस एरिया में आएगा बैंक निफ्टी तो यहाँ पर आपको फिर खरीदारी होती हुई नजर आ सकती है और मार्केट फिर से ऊपर की ओर रिवर्स होती नजर आ सकती है। फिर ऊपर के लेवल है 876, 50,150 और 228, 228
बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता ही है, अब तो याद हो गया होगा, रट गया होगा, 3 बार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। याद रहे ये लेवल मैंने पहले ही बता दिया था, अभी प्रॉफिट बुकिंग आई भी नहीं थी, इस दिन से भी पहले बता दिया था। अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ से, शॉर्ट कवरिंग जो बन रही है वो बन रही है 50,350 के ऊपर ही। 350 के ऊपर एक बार आ जाए, इस एरिया को क्रॉस कर जाए बैंक निफ्टी, तो झूम के उठ सकती है। ऊपर के जो लेवल होंगे 475, 580, 669, और फिर ऊपर की ओर जो लेवल नज़र आ रहे हैं 940 और 51,132। ये क्या है, ये है ऑल टाइम हाई। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ से भारी बिकवाली भी आ सकती है। मतलब एक बार 50, 350 क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए काफी जरूरी है, अगर वो ऊपर जाना है उसने तो। अब आते हैं हम निफ्टी पे, निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बताती है, निफ्टी की ऑप्शन चेन ये बताती है कि 23,400 पर भी कॉल राइटर अब एक्टिवेट हो गया है। और हालांकि कॉल राइटर, पुट राइटर भी जबरदस्त है, कॉल राइटर भी जबरदस्त है, पूरी टक्कर बराबर की है। और 23,500 पे कॉल राइटर यहाँ पे ही है, पर ये 23,400 से थोड़ा कम है, मतलब अब कन्विक्शन ज़्यादा 23,400 पे आ चुकी है। और उधर पुट राइटर भी कहता है कि मैं भी यही हूँ, तो यहाँ पे और ज़्यादा टक्कर नज़र आ सकती है कल वाले दिन भी। मतलब अगर बड़ा गैप अप हो किसी तरह 23,500 के ऊपर, तब जाकर ये दोनों कॉल राइटर ट्रैप होंगे और तब तेज दौड़ लगेगी ऊपर की ओर। पर अभी फिलहाल कहानी फंसी हुई है कहाँ, 23,400, 23,500 पे। मतलब इस एरिए में 23,450 से 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे बार बार बिकवाली आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। अगर यहाँ से फिर से बिकवाली आती है नीचे की ओर, 23,410, 360, 330 और 286 के लेवल इम्पोर्टेंट होंगे। नीचे की ओर जो स्पोर्ट है वो कहाँ पे है वो हम लिख देते हैं। स्पोर्ट एरिया है 23,250 से 2,350 का एरिया, ये सारा है स्पोर्टिंग एरिया। आप आज भी आपने देखा होगा 350 से ही इसने स्पोर्ट ली है, और ये सारा एरिया स्पोर्टिंग जोन है। और धीरे 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 आप देख रहे होंगे नीचे पे हाई हाई लग रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी होती है कि मार्केट ऊपर जा रही है। अब जो बात हमने बात की थी कि ये चार्ट पे बन क्या रहा है, ये बन रहा है पीनट फ्लैग। देखिए आप ध्यान से देखोगे, ये देखिए आपको नजर आओगे आ रहा होगा, ये देखिए पीनट फ्लैग आपको दिख रहा होगा। पीनट फ्लैग के क्या रूल होते हैं, जब भी पीनट फ्लैग बनता है, ये देखिए पीनट फ्लैग जब भी बनता है तो वो चांसेस बन जाते हैं कि ऊपर कभी ना कभी, कहीं ना कहीं लगता है कि ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है, आपको इसलिए समझाया गया पीनट फ्लैग के बारे में कि पीनट फ्लैग एक पॉजिटिविटी दिखाते हैं मार्केट के अंदर। दूसरा, अगर आप नीचे से भी देखें लगातार हाई पे हाई लग रहे हैं, लोअर के लोअर लेवल की बात कर रहा हूँ, ये भी लगातार हाई पे हाई लग रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी निशानी है। और हाई भी लगातार हाई बढ़ रहा है तो ये भी एक अच्छी निशानी है कि लगातार मार्केट ऊपर की ओर जा रही है, और ये साइन दे रहा है कि मार्केट बुलिश है पूरी तरह से। और नीचे जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो 23,250 से 350 के एरिया में है। मतलब यहाँ तक निफ्टी बाय ऑन डिप है, जब तक 23,200 टूट नहीं जाता, 23,200 जब तक टूट नहीं जाता तब तक ये बाय ऑन डिप है। ऊपर के लेवल 360, 410, 466 और 490 ये बने रहेंगे। मतलब इस टाइम जो रेंज बनी हुई है 23,200 से 23,500 की बनी हुई है, 23,200 से 23,500 की रेंज है इस टाइम। 23,200 से लेकर 350 की रेंज में बाइंग हो रही है, और 23,450 से 500 की रेंज में सेलिंग हो रही है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ बनेगी, जो शॉर्ट कवरिंग का लेवल दिख रहा है वो दिख रहा है हमें ये 25,000, 23,540, ये ध्यान रखना 23,540 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग लेवल बनता हुआ दिख रहा है ऊपर की ओर। अगर एक बार 23,540 के ऊपर आ गई तो ये कॉल राइटर ट्रैप होता हुआ नजर आएगा, और ये रेजिस्टेंस भी ट्रैप हो जाएगा। 23,400 और 23,500 का कॉल राइटर बुरी तरह से फंस जाएगा, फिर तेज शॉर्ट कवरिंग बन सकती है ऊपर की ओर 23,597, 631 और 750, फिर 750 से एक प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती। तो ये था पूरा कंप्लीट प्राइस एक्शन निफ्टी और
बैंक निफ्टी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।